महिंद्रा लॉजिस्टिक्स मालौट। सर लॉजिस्टिक में मैंने आपको सुझाया था, देखिए 310 के पास सुझाया था मैंने, ऑल कार्गो, हाँ वो हो गया करीब करीब अभी 432 रुपये हो गए हैं, तो एक अच्छा रनर ऑलरेडी लॉजिस्टिक स्पेस में। जैसा मैंने सोमवार को बात की थी कि जो गवर्नमेंट बता रही है कि वेयर हाउसिंग और जो टर्मिनल सारे बनेंगे उसके लिए रेलवे ने जो अनुबंध करने का है उनको 30 साल की अनुमति दे दी गई है कि प्राइवेट सेक्टर उसमें करें, और दाम भी कम किए गए हैं वेयर हाउसिंग के लिए और जो टर्मिनल सब बनेंगे। तो वो उसमें जो बड़ी कंपनी थी, मैंने ऑल कार्गो लॉजिस्टिक आपको बताया था, मतलब बहुत अच्छी कंपनी, काफी अच्छे रिटर्न रेशियो पूरे क्षेत्र में, महिंद्रा का नाम है लेकिन अगर आप काम में जाएंगे तो उतना दिखता नहीं है, मेरे को नहीं दिखता है एटलीस्ट फंडामेंटली। ऑल्दो आज 10% बढ़ा हुआ है महिंद्रा लॉजिस्टिक, लेकिन जब हम चूज करते हैं कंपनी तो रिलेटिव वैल्यूएशन, रिलेटिव कंपनी पीएस के साथ काफी कंपेरिजन करते हैं। इवन वीआरएल लॉजिस्टिक मुझे अच्छा लग रहा था, फर्स्ट मेरा ऑल कार्गो था उसके बाद वीआरएल लॉजिस्टिक था, तो हमने वो चुना था और आपके दर्शकों को बताया था, अगर किसी ने दिया होगा तो उसको मुनाफा जरूर हुआ होगा। जहां तक महिंद्रा लॉजिस्टिक की बात है, आज के ही ट्रेडिंग सेशन में इसमें ब्रेकआउट हुआ है। फंडामेंटली अगर कहेंगे तो मैं तीनों कंपनियों में सबसे नीचे महिंद्रा लॉजिस्टिक को रखता हूँ, 518 के आसपास का दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट है इसमें, और इस ब्रेकआउट में आपको एटलीस्ट जो है 50-60 रुपये और मिल सकते हैं 518 से। तो टेक्निकल जरूर इसमें, चूंकि पूरे सेक्टर में अगर चीजें होती हैं तो कोई भी अछूता नहीं रहता, सबको अपना अपना पाई मिलता ही है उसको, तो उस लिहाज से लग रहा है कि चार्ट पैटर्न भी अच्छे दिख रहे हैं कि यहाँ से इसमें बढ़त हो सकती है। बट एलेक्स जी, जो मैं चूज करता हूँ जब भी, तो फंडामेंटली हैज टू बी गुड काउंटर बैक्ड बाय गुड प्रमोटर्स, और उसके बाद फिर टेक्निकल्स पे आता हूँ मैं कि टेक्निकल्स में मेरा एंट्री सेटअप कैसा होना चाहिए, और उसके सारी चीजों को देखते हुए मैंने ऑल कार्गो काफी अच्छी जगह पकड़ा था वो। और इसमें भी लग रहा है कि हाँ, यहाँ से भी 10 से 15% का मूव इसमें भी अभी भी बाकी है लग रहा है महिंद्रा लॉजिस्टिक में, तो आप देख सकते हो अगर किसी के पास है या फिर सोच रहा है लेने का, तो 514-512 के आसपास का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट बना के इसमें एंट्री की जा सकती है।